हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा, वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं गाइज लेकर आया हूँ आपके लिए एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि एमजेपीआरयू और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। मैंने डायरेक्ट उसकी वेबसाइट खोली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। और ज़रूरी हो जाता है सिलेबस डाउनलोड करना, क्योंकि एमएससी में इतनी बुक्स हम लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं और बहुत पैसा खर्च हो सकता है एमएससी में, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, सिलेबस डाउनलोड करो और यूट्यूब पर सारे टॉपिक मिल ही जाते हैं, चैप्टर मिल जाते हैं, सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करते चलो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। यही मैंने किया था, मैंने कभी किसी मतलब ग्रेजुएशन से लेकर एमएससी तक मैंने कोई बुक नहीं खरीदी है, मैंने सारा सिलेबस जो है वो नेट से ही कंप्लीट किया है, ठीक है। यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, अच्छे से वीडियो मिल जाएंगे, और मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियो इसके पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप थोड़ा सा कवर कर सकते हो सिलेबस, ठीक है। अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो बढ़िया करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 4 सेमेस्टर हमको पढ़ने होते हैं 2 साल में, 1 साल में हमको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये इसके पेपर हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ग्रुप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड सेमिनार, ठीक है। 5 पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, माइनर, प्रैक्टिकल एंड सेमिनार, ठीक है। इसमें 6 पेपर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको बोल के नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटी सी चीज़ में इतना टाइम खर्च करना बेकार है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे चैप्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, अच्छे से सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं और चीज़ों को नोट कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉरी नोट नोट क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ही ले लो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। वरना मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, चीज़ों को आप समझ लें कितने चैप्टर कौन कौन से हैं, और इसमें जो एक चैप्टर है फिर उसके अंदर जो है देखो, ये जैसे चैप्टर है एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर इसके अंदर सारे टॉपिक्स दिए हैं, आप एक एक टॉपिक कर एक एक टॉपिक को अच्छे से यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने भी यही किया था, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भाई बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स खरीदना गलत है, बुक्स कैसे खरीदोगे, बुक से कुछ समझ में भी नहीं आएगा, सारा कुछ बुक में इंग्लिश में ही होता है, तो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हम लोग, और पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है एमएससी में, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, सिलेबस डाउनलोड करो और उसकी फोटोकॉपी निकलवा लो, अच्छे से घर में रख लो और उसमें टिक मारते चलो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो, यूट्यूब से सारे नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे चैप्टर मिल जाते हैं, चैप्टर कहीं अलग से नहीं है, यही ग्रेजुएशन और 11th 12th के चैप्टर होते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है इसमें, बस थोड़ा जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करके चीज़ें दी होती हैं, वही चीज़ है ना कि हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से सिलेबस को देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सारे चैप्टर आपने देख लिए होंगे। और ये देखो यहाँ पे लिक्विड स्टेट भी दी गई है, नहीं, लिक्विड क्रिस्टल्स दिए गए हैं, इसमें सारे टॉपिक्स आते हैं, और यहाँ पे ये गैसियस है, यहाँ इसके भी सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आयनिक कंडक्टर्स है, ठीक है। तो सारे चैप्टर हैं यहाँ पे और उनके टॉपिक भी हैं, आप अच्छे से फोटोकॉपी निकलवा लीजिए और चीज़ों को अच्छे से नोट करते चलिए, यूट्यूब से सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, मैंने भी यूट्यूब से ही करे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, एमएससी का सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, वही बस उसी लेवल का होता है ग्रेजुएशन 11th 12th का, कोई डरने की बात नहीं है भाई, मैंने भी जो है डाउनलोड करके कंप्लीट किया था, बुक वुक नहीं खरीदी थी, ठीक है। तो ये हो गया एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि एमजेपीआरयू से है। तो आई होप आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।